योगेश भाई आप यहां पे कैसे, अभी गांव में ही पड़े हो क्या? अरे चलो मेरे साथ यार, बाजार में शहर में रहेंगे। देखो आज मेरे पास में धन दौलत है, सारा गाड़ी बंगला सब कुछ है, क्या कमी है मेरे पास आज? रघु भैया मैं गांव में इसलिए पड़ा हूँ क्योंकि मेरे पास में मेरी माँ है, मेरे बाबूजी है, मेरे दादाजी का वो स्नेह है, मेरी दादी माँ की लोड़िया है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे है, मेरे गांव के हर उस बुजुर्ग का मेरे सर पे हाथ है, मेरे गांव के हर उस मित्र का प्यार है, स्नेह है, मेरे प्रति दुआएं हैं। मेरे पास नहीं है, मैं मानता हूँ कि आपके गाड़ी घोड़ा एफ आराम बंगले कुछ भी नहीं है और मुझे इनकी जरूरत भी नहीं है। मैं क्या करूंगा, मुझे वो प्यार, वो स्नेह, वो अपनापन चाहिए जो मेरे गांव में मुझे मिलता है। मैं गांव की जिस गली से गुजरता हूँ वहां पे ये पूछने वाला है कि बेटा तू कैसा है, तेरे घर पे सब ठीक है। मुझे तुम्हारे शहर के उन चीजों से नफरत है, जहाँ पे अपनों के पास पहुंच जाओ वहां भी अपनापन नहीं मिलता है। तो भैया मैं अपने गांव में रह के सुखी हूँ, चैन की सांस ले रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए घोड़े हाथी गाड़ी बंगला। जब मैंने देखा है कि आज से 2 साल पहले कोरोना आया था तब आप शहर के सब निवासी गांव में आने के लिए मजबूर हो गए थे, गांव वाले बाजार नहीं गए थे, तो आप भूल जाते हो। अपनी औकात अपने ध्यान में रखो और हम गांव वालों को हमारे हाल पे छोड़ दो। हमें नहीं चाहिए आपके एफ आर एम, हमें नहीं चाहिए आपकी ये दिखावटी जिंदगी।